लो बेटा, तो टॉपिक है आपका, लेक्चर है बेटा, सेवन्थ थर्ड। टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिट। मतलब इसका कि जैसे वन की पावर 1/3 बोलते हैं, पीछे 1/n खोला तो n आंसर आए, 1/3 खोलेंगे तो 3 आंसर आएंगे। कौन कौन से पहले की तरफ, 1 अल्फा, अल्फा क्या बताया था, cos 2π/n, n की जगह कितना आ जाएगा 3, एटा साइन 2π/3 आ जाएगा। तो या आप ये भी लिख सकते हो 1/3 के 3 आंसर कौन कौन से होंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है -1 + √3 एटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 - √3 एटा बाय 2। ये वैल्यू वही तो आ रही है, ऊपर वाली देख लो, 1/2 माइनस का √3 एटा बाय 2, नीचे माइनस का 1/2 -√3 एटा बाय 2। क्या इसका प्रूफ क्या है, देखो आया कहां से बेटा। तो लेट आप ये x को मान लो 1/3, इसको उधर ले जाओ, x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, इसको उधर ले जाओ, x की 3 - 1 इज इक्वल टू 0, इसकी फैक्टर बना दो x - 1, x² x + 1, या नोट कर रहे हैं सारा साथ साथ बेटा। ये क्या लिखते हो, आइदर ये 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया। एक बार आप x² x + 1 को 0 लोगे, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ऐसे है ना, ये ax किया bx + c इज इक्वल टू 0, इसका d निकालो, d कितना आ जाएगा, b² - 4ac, ये आ गया -3 आ गया। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, x = -b +√d बाय 2a, ये आ गया -1 प्लस -√3 बाय 2a, तो -1 प्लस -√3 आयोटा आ गया बाय 2a। इसका आपने ये प्रूव कर दिया, 1/3 के 3 आंसर आए, एक तो 1 आ गया, एक -1 + √3 आयोटा बाय 2 आ गया, -1 - √3 एटा बाय 2। अब इसी में तो इसी का तो नाम क्या है, 1 हो गया, ये ओमेगा कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर हो गया। वीडियो ऑन रखो अपनी रीति का, वीडियो ऑफ करिए तो मत किया करो बेटा, क्लास जो है मत करो, इसको वीडियो ऑफ करनी है ना, क्लास में ज्वाइन करो। और रियल में तो 1/3 जो रियल में होता है, असली का रियल में तो 1/3 1 ही होता है, पर जब आप ओमेगा आयोटा वाले नंबर शामिल करते हो तो जाके होता है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नंबर 1, फर्स्ट तो ये है बेटा कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम 0 होता है। नंबर सेकंड, इन तीनों की प्रोडक्ट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
यानी कि ओमेगा क्यूब ये वन होती है। नंबर थर्ड, ये एक दूसरे का राशि प्रकार होता है, ओमेगा जो होता है वन बाय ओमेगा स्क्वायर होता है, और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वन बाय ओमेगा होता है। मतलब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटा, राशि प्रकार होते हैं। नंबर फोर, ओमेगा का मैग्नीट्यूड और ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड और ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये वन होता है। नंबर फोर्थ, ओमेगा का आप कंजुगेट करोगे। नंबर फिफ्थ, ओमेगा का कंजुगेट करोगे ओमेगा स्क्वायर आ जाता, और या उठा ले लो आप ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट कर दो तो ओमेगा आ जाता है। यानी कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कंजुगेट है, एक दूसरे के इनवर्स रिवर्स होते हैं। नंबर सिक्स, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों के तीनों क्या है, लाइज ऑन ऑन द सर्कमफ्रेंस, लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस फ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस वन और सेंटर एट जीरो, एट जीरो ये होता है। क्या मतलब, मालूम मैं एक सर्कल बनाता हूं तो उसको यदि मैंने उसका सेंटर ओरिजिन पे ले लिया एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये रेडियस आर इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो तीनों के तीनों सर्कल पे पड़े हैं। वन तो यहाँ होता है, ओमेगा यहाँ होता है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ होता है, वर्ड हो गया ए बी और सी, ये हो गया ये पूरे सर्कल को तीन बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये एंगल 120 डिग्री है, ये वाला एंगल 120 डिग्री है, और ये वाला एंगल 120 डिग्री है, वही लिखा है ना कि वन ओमेगा ओमेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस वन सेंटर जीरो जीरो दैट इज सर्कल, क्या लिखा मैंने सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये लिखे इस सर्कल के ऊपर पड़े, और सर्कल फ्रेंस को तीन इक्वल पार्ट पर डिवाइड करते हैं, and divide circumference, and divide circumference into three equal parts. अब आप देख सकते हो सभी ये तीनों के तीनों जहां पे वन पड़ा है फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पड़ा है, उनके बीच में एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री का आ रहा है, तो तीनों के तीनों एक सर्कल के चारों तरफ पड़े हैं, और सर्कल को तीन बराबर हिस्सों में बांटते हैं, और इनके बीच में एंगल कितना होता है, मतलब जब इनको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये लो पोलर फॉर्म क्या है इसकी, पोलर फॉर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पोलर का मतलब कॉस थीटा साइन थीटा वाली फॉर्म कौन सी, क्या मतलब, जैसे वन की पोलर फॉर्म तो वन इंटू में कॉस जीरो हो गया, आयोटा साइन जीरो हो गया, यूनिट में क्या लिखोगे आर हो गया वन ई की पार आयोटा जीरो, ओमेगा की क्या लिखोगे आर हो गया वन कॉस 120 डिग्री आयोटा साइन 120 डिग्री, 120 को क्या लिखोगे आप 1
ई की पावर आयोटा टू पाई बाय थ्री ये भी लिख सकते हो। और ओमेगा स्क्वायर की पोलर फॉर्म क्या होती है, वन तो बनाएगा कॉस 240 प्लस आयोटा साइन 240। ये वाला साइड अभी तो करा रखे हैं वन, ये आ गया ई की पावर आयोटा 4π/3 ये आ गया। तो मैंने पोलर फॉर्म एंड अयूलर फॉर्म दोनों एक साथ लिखवा दिए, एंड अयूलर फॉर्म दोनों एक साथ लिखवा दिए। अभी एक दो इसकी और लाइनें करा के फिर आपको एडमिट कर दूंगा। जैसे अभी नंबर तीन नंबर दो नंबर लेते ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी, तो यार है ना इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी, इसको भी ये लिख सकते हैं ए प्लस बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर। अब उल्टा कर दो, बी ओमेगा के साथ बी ओमेगा स्क्वायर कर दो, अगले के साथ सी ओमेगा कर दो। ये यदि आप राइट हैंड साइड के दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखो लेफ्ट हैंड वाली आ जाएगी। नंबर नाइन, यदि इसको मैं यू बना दूंगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी लिख दू, तो ये अब क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए बी सी कसम एंड ए स्क्वायर ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में वही ऊपर टॉपिक ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, अगला ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये अभी आपको प्रूफ कराऊंगा बेटा इस पर। ऐसे ही नंबर टेंथ है, यदि आपको क्यूब लेना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लेना फार्मूला, तो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी ओमेगा, अगली बार लोगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ए माइनस बी ओमेगा ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर आएगा। करो बेटा पहले याद रीड करो। चलो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब उनका डायग्राम बनाते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट थ्री वर्टिसेस ऑफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट थ्री वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना लें हम ऐसे इस टाइप से ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल बना लें ट्रायंगल बनाई ए बी सी, ए को जो वन रिप्रेजेंट करा तो बी को कर रहा होगा ओमेगा, सी को कर रहा होगा ओमेगा का स्क्वायर करता है। यानी कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है जिस सर्कल के ऊपर लाइज कर रहे हैं, पीछे जो मैंने डायग्राम बनाया था वो ये बनाया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी एक सर्कल के ऊपर लाइज करते हैं, ये बताया था nth रूट ऑफ यूनिटी लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर देखो आप इन तीनों पॉइंटों को मिला के देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये वन हो गया ए हो गया ये बी आ गया ये सी आ गया, अब आप इन तीनों को मिला के देख लो ट्रायंगल जो बनती है हमारी इक्विलेटरल बन रही है। एक आखिरी पॉइंट और है फिर आपको अनम्यूट कर दूंगा, जो पूछना हो पूछ लो। नंबर 12 है, जो nth रूट ऑफ यूनिटी है उसके ऊपर आप कोई पावर ले लोगे ना, वन प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, यार अगर उसका जोड़ 3 होगा कब, यदि n 3 का मल्टीपल है 3 लैम्डा, और यदि n 3 का मल्टीपल नहीं है ले लो 3 का मल्टीपल नहीं है आंसर जीरो होता है। क्या मतलब
मतलब ये है, जैसे आप वन प्लस ओमेगा की पावर 10 लेते हो, ओमेगा की पावर 20 लेते हो, तो क्या एन जो टू 10 लिया वो 3 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। मान लो वन प्लस ओमेगा की 60 लेते हो, ओमेगा की 180 लेते हो, तो ये तीनों दोनों पावर 10 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, है। तो आप इसका सम करोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 आंसर 3 आएगा। लो बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, अभी प्रूफ करा देता हूँ भाई। ये का आप इन तीनों का सम लोगे, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जैसे फर्स्ट लेते हो आप, फर्स्ट का प्रूफ करते हो बेटा। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम जीरो होता है, कैसे वैल्यू करना बेटा? वन ओमेगा की वैल्यू -1 + √3 ओटा बाय टू, ओमेगा स्क्वायर की -1 - √3 ओटा बाय टू। तो ये लो ये कट गया सारा, ये लो ये सारा कट गया था, फाइनली आंसर आ गया 0। बस ये हाँ, अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, यदि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वन आएगा। ये तो सेकंड का प्रूफ है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा या इनकी वैल्यू ही भर दो बस खाली। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? -1 √3 ओटा बाय टू, ओमेगा स्क्वायर की -1 - √3 ओटा बाय टू, ऊपर आ गया -1 का स्क्वायर √3 ओटा का स्क्वायर आ गया बाय फोर, तो 1 + 3 / 4 = 4 वन आ गया आंसर। और बोलो बेटा और ले लो प्रूफ, इसका ले लो, बाकी तो आसान से है बेटा, ये ले लो तुम, एट्थ का प्रूफ ले लो बेटा। एट्थ क्या है देखो, एट्थ या नाइन्थ ले लो, एट नाइन सेम है, नाइन्थ ले लो। नाइन्थ है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ABC को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, या ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा, ये लिख सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है, देखो प्रूफ क्या है उसका, राइट हैंड साइड ले लो, ए बी सी और दोनों ब्रैकेट है ना जो सेकंड और थर्ड, उसको मल्टीप्लाई कर दो, करना ए इंटू ए स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा, ए बी ओमेगा, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, बी सी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा की फोर और सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ गया। तो फाइनली आ गया ए बी सी, तो आ गया ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा, फिर ए बी ओमेगा बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बना होता है बेटा, बी सी ओमेगा स्क्वायर,
ए सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा क्यूब। ओमेगा की फॉर कितना होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो वन इंटू ओमेगा आ गया बेटा। ये तो अगला आ गया सी स्क्वायर, तो फाइनली आ गया ए बी सी ब्रैकेट में कितना आ गया देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी कॉमन लेना बेटा, ए बी कॉमन गया इन दोनों में से, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। बी सी कॉमन लोगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। ए सी कॉमन आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। कितना आ गया सारा ए बी सी, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम कितना होता है, मन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम जीरो होता है बेटा, तो वहां पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस वन, वरना ये आ गया माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये सारा किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का। अब आप इसमें ये देख सकते हैं, यदि मैं बार वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करता तो ये जहां पे मैंने ग्रीन कलर कर रखा है ये लो, फिर ये एट का प्रूफ ना हो गया, देख लो आप एट यही तो है बेटा। इसका यदि मैं बार वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई ना करके मैं यदि सीधा फार्मूला लगा सीधा लास्ट वाली दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बेटा इसका बोला नाइन्थ में एट अपने आप आ गया। तो जो ये आपका ये आईआईटी में आया बेटा इलेवंथ का प्रूफ, इलेवंथ का प्रूफ मैंने कैसे कराया था देख लो दोबारा, कि हम जानते हैं कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को माइनस करते हैं तो उसके बीच की दूरी आती है, तो मैंने पहले डिस्टेंस ए बी निकाला। ए बी कैसे निकाला, ए और बी के पॉइंटों को माइनस कर दिया वन माइनस ओमेगा। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत इंपोर्टेंट है ये, सारा डायरेक्ट क्वेश्चन बना दूंगा तुम्हारे आईडी का पेपर देने जाओगे ना तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे, आज क्वेश्चन डायरेक्ट बना दूंगा, ये सारे आते हैं बेटा उसमें, अभी तुम डायरेक्ट टिक कराओगे इसको। तो मैंने जैसे ये बताया ना कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों एक ट्रायंगल, यदि तीनों पॉइंट से रिप्रेजेंट कर तो तीनों पॉइंट मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो कैसे पता चलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। आपको मैंने ये बता रखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को आप माइनस कर लो, ए और बी को माइनस करके उसका मोड़ ले लो, फिर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को माइनस करके उसका मोड़ लेते हैं तो उसके बीच की दूरी आती है। तो देखो मैंने क्या करता है, ए को मैंने मान लिया वन, बी को मान लिया मैंने ओमेगा और सी को मान लिया मैंने ओमेगा स्क्वायर। तो आप यदि ए बी करते हैं तो वन में से ओमेगा करके उसका मोड कर लेते हो, तो आप मैंने वन माइनस में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू भर दी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन रूट थ्री ओटा बाय टू, तो वन और वन बाय टू थ्री बाय टू हो गया, सारा आ गया थ्री बाय टू माइनस रूट थ्री ओटा बाय टू, ये आ गया। अब इसका मोड निकालेंगे, मोड क्या होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर, रूट थ्री आ गया। तो फिर मैंने निकाला बी सी, तो बी सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बी माइनस सी करूंगा, तो बी हो गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भर दी वहां, तो वन बाय टू से वन बाय टू कट गया, रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू रूट थ्री ओटा, रूट थ्री ओटा का मोड रूट थ्री, ऐसे ऐसे निकालना। और तीनों डिस्टेंस सेम आ गए, और तीनों डिस्टेंस सेम आने से क्या हो जाता है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। करो बेटा इसको रीड करो, लो बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखो। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको पहले भी करा रखा है,
इन पोलर फॉर्म में हम कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म में कैसे करते हैं? मतलब इसका ये होटा जेड आप ए प्लस एटा भी लिखते हो, पोलर फॉर्म में आप क्या लिख देते हो, आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये लिखते हो। तो मान लो जेड का मुझे स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि ए प्लस एटा बी का स्क्वायर रूट निकालना, ये आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा का स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट का तो 1/2 होता है बेटा, मान लो ये निकालना। तो मैं इसको कैसे निकालू, इसका मान लो मुझे स्क्वायर रूट निकालना, तो आर में तो रूट अलग से आ ही गया बेटा, आर में रूट आ गया, बाकी आ गया कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर 1/2। अब आपको उस दिन मैंने 1/n निकालने का मेथड बताया था, 1/n कैसे निकालते हैं, हम उसमें राउंड ऐड कर देते हैं पहले, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस 2k पाई, याद है। अब नीचे 1/2 ले जाते हैं, आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय 2 ले जाते हैं, और k को क्या लिख देते हैं वहां पे, 0, 1 कम 1 तक, ये लो, और सारे के बाहर रूट आर है इसी। अब आप k को एक बार 0 भर के देखो, और एक बार k को आप 0 भर दो, ये क्या आ रहा है, एक बार तो आ जाएगा रूट आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक बार आप k को 1 भर के देखो बेटा, k को 1 भरोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2, एक बार आ जाएगा माइनस का रूट आर कॉस थीटा बाय 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2, क्योंकि 1 भरने पे cos 180 प्लस थीटा आएगा ना बेटा, यदि आप 1 भरते हैं तो cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है बेटा, और sin पाई प्लस थीटा भी माइनस थीटा होता है बेटा। आर cos थीटा प्लस iota sin थीटा का स्क्वायर रूट लेना है, उसका आंसर आएगा प्लस माइनस रूट आर एंड कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, ये आंसर आएगा। ये लो, यानी कि आप, पर ये स्कूल में मत कर देना, क्योंकि स्कूल में तो एक पेज वाला मेथड है, क्या मतलब इसका, ये लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है बेटा, 5/2 -5/2 प्लस 5√3/2 आयोटा, ये क्या है, 5 × में cos 2π/3 है प्लस आयोटा sin 2π/3, ये अब मुझे मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये लो कितना आ जाएगा, √5 बार प्लस माइनस लो कॉस 2π/3 का आधा कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 5/3 आयोटा साइन 5/3, बस ये आंसर। तो भी एक लाइन में कर दिया, तो नंबर इसके स्कूल में कर दोगे तो 0 मिलेंगे बेटा, पहले बता कंपटीशन में डायरेक्ट यूज कर। हाँ, एक आपको मैंने डायरेक्ट मेथड भी बताया था, एक तो मैंने आपको जो एक डायरेक्ट मेथड बताया था, डायरेक्ट मेथड फॉर कार्टेशियन फॉर्म के लिए डायरेक्ट लिखवाया था, क्या था वो, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एटा बी, क्या लिखा था पर, प्लस माइनस मॉड जेड प्लस ए बाय 2 का अंडर रूट प्लस एटा मॉड जेड माइनस ए बाय 2 का अंडर रूट, ये लो बार प्लस माइनस, ये
हाँ मॉड जेड क्या होता है? मॉड जेड होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता है। हाँ इफ यदि बी जीरो से बड़ा है तो, इफ बी जीरो से छोटा है तो आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट मॉड जेड प्लस ए बाय टू माइनस ए होता है मॉड जेड माइनस ए बाय गया। क्या मतलब इसका? ये लो ये आपको 3 माइनस 4 ए का अंडर रूट निकालना है, तो आप इसका मॉड लोगे मॉड जेड कितना आएगा? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का अंडर रूट 5 आ गया बेटा, तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 5 प्लस 3 बाय 2 का अंडर रूट, बीच में माइनस है तो माइनस है होटा 5 माइनस 3 बाय 2 का अंडर रूट क्या आ गया? 12 प्लस माइनस आ गया, तो आ गया प्लस माइनस, ये आ गया 8 बाय 2 4 का 2 माइनस है होटा 5 माइनस 2 बाय 2 1, ये आंसर है। अब इनमें से आपने कोई भी स्कूल में यूज कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, तो करो बेटा सारा रीड करो, क्योंकि आपको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में तो पहले स्क्वायर रूट निकालना सिखा। कुछ टॉपिक क्या है महाराज? लॉगरिथम इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में लॉग कैसे लेते हैं? जैसे आप लॉग ए प्लस योटा भी लेना चाहते हैं तो पहले लोगे आप लॉग 1 बाय 2 लॉग आर, आर का मतलब क्या होता है? आर नहीं लिखना हो तो ए स्केयर बी स्केयर ये डाल सकते हो आप, प्लस योटा टाइम्स टेंजेंट इनवर्स बी बाय ये लिखोगे बेटा। अब ये भी कैसे आया मतलब, ये तो प्रूफ क्या आया है? तो लॉग ए प्लस योटा बी को मैं यू लिख दू पोलर फॉर्म में लॉग आर इंटू ई की पावर योटा थीटा, क्योंकि कोई भी कंप्लेक्स नंबर आप जेड लेते हो ए प्लस योटा बी, तो यूलर फॉर्म में क्या होता है? आर इंटू ई की पावर योटा थीटा ही होता है, तो लॉग में दो नंबर इंटू हो तो प्लस हो जाते हैं, तो लॉग आर अलग हो गया, लॉग ई की पावर योटा थीटा अलग हो गया, लॉग आर लॉग ई की पावर योटा थीटा अलग हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, आर क्या होता है? आर आर यही होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, योटा थीटा आगे ले लो लॉग ई, तो आप जानते हैं लॉग सेम बेस सेम ई बेस ई वन होता है, तो अंडर रूट का 1 बाय 2 आ गया, आ गया अंडर रूट का 1 बाय 2 आ गया, आ गया। तो लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया बेटा, आयोटा थीटा की वैल्यू भर दो बेटा, थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है,
टैन थीटा होता है बी बाय ए, लॉग ई वन हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, ये तो हैंस प्रो टोटल कैसे क्या मतलब इसका, देखो मतलब क्या है इसका, ये लो एग्जाम्पल उठा, जिसमें लॉग थ्री प्लस फोर ए उठा, देखना लॉग ये देखना बेटा आपको, वन प्लस वन माइनस ए उठा, फार्मूला कितना लगाओगे, वन बाय टू लॉग रियल का स्केयर वन का स्केयर और माइनस वन का स्केयर, क्या प्लस एटा टाइम्स टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, तो माइनस वन बाय वन ही आ गया, तो वन बाय टू लॉग टू माइनस एटा टेंजेंट इनवर्स वन हो गया। अब वन माइनस एटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कितना आएगा बेटा, थीटा बी पॉइंट हो गया वन कॉमा माइनस वन, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस वन जो है ना बेटा, माइनस वन टेंजेंट इनवर्स माइनस वन की वैल्यू, वन बाय टू लॉग टू टेंजेंट इनवर्स माइनस वन, टेन 315 डिग्री माइनस वन होता है फोर्थ में, ये आ गया 7π/4, ये आंसर आ गया। और लो अब कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर कराते हैं तो सबसे पहले बच्चों को ये क्वेश्चन कराते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ ऑफ अयोटा की बार, अयोटा ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे उसके नोट्स में ये क्वेश्चन मिलेगा, हर जगह ये मिलता है, तो बच्चे को कहते अयोटा की बार अयोटा की वैल्यू होता, तो ये लो लेट क्या सोल्यूशन, लेट मैंने इसको पी मान लिया अयोटा की बार, और लेना टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग तो लॉग पी आ गया, लॉग अयोटा की पार अयोटा पार आ गया, अयोटा लॉग अयोटा, लॉग अयोटा को क्या लिखोगे आप, जीरो प्लस अयोटा, क्या अब अयोटा कहां पे लाइज करता है, इसका डायग्राम बना लो बेटा, अयोटा लाइज करता है ये लो वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स हो गया जीरो, वाई हो गया वन, इसका ये वाला एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग पी, वो ये फॉर्मूला नहीं था वन बाय टू क्या था, लॉग जीरो का स्केयर और वन का स्केयर आ गया, प्लस अयोटा टाइम्स टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, तो वन बाय जीरो भी आ गया, लॉग पी बेटा पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ सारा, तो लॉग वन आ गया बाहर वन बाय टू, फिर अयोटा टाइम टेंजेंट इनवर्स वन कितना होता है, टेंजेंट पाई बाय टू, नॉट डिफाइंड होता है बेटा, तो टेंजेंट इनवर्स वन बाय जीरो आ जाए तो ये पाई बाय टू ही आएगा, ये आ गया पाई बाय टू बटा लॉग वन जीरो होता है, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो सारा कितना आ गया अयोटा, ये आ गया जीरो प्लस अयोटा पाई बाय टू, आ गया लॉग पी की वैल्यू आ गई अयोटा स्केयर पाई बाय टू, अयोटा स्केयर कितना होता है माइनस वन, तो माइनस पाई बाय टू आ गया, और लॉग लेट से राइट जाएगा
तो क्या बनेगा, ई बनेगा, बेस कुछ नहीं तो ई है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो पी कितना आ गया, पी, पी का मतलब योटा की पावर, योटा कितना आ गया, ई की पावर माइनस पाई बाय टू आ गया, फाइनली आंसर कितना आ गया। तो बेटा इंडिया का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे ये क्वेश्चन ना कराया जाता हो। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, हर बुक में, हर इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, तो मैक्सिमम बच्चों ने तो इसकी वैल्यू भी याद कर रखी है। तो आप लोग भी योटा की पावर योटा की वैल्यू याद कर दो, योटा की पावर योटा की वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर माइनस पाई बाय टू ये होती है। तो दोबारा देख लो बेटा सारा ये, लेट अयोटा की पावर अयोटा को मैंने पी मान लिया बेटा, टेकिंग लॉग बेस ई इन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग पी लॉग ई बेस, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे, तो अयोटा आगे आ गया और अंदर बचा लॉग अयोटा, लॉग अयोटा को यू लिखो ना जीरो प्लस अयोटा, क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे ना, ए हो गया जीरो, बी हो गया वन, लॉग ए प्लस जोटा बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वन बाय टू लॉग ए स्केयर बी स्केयर अयोटा टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, वन बाय जीरो, वन बाय जीरो। अब साइन 90 बाय कॉस 90 लेते हो, जैसे आप साइन 90 बाय कॉस 90 लेते हो, तो वन बाय जीरो तो लिखते हो, तो टेंजेंट 90, तो वही लिखा टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स वन बाय जीरो वही 90 लिख दिया बेटा। नहीं कम समझ आ रहा हो तो आप अयोटा का डायग्राम बनाओ, अयोटा का डायग्राम क्या बनता है, देखो पी पॉइंट आ रहा है एक्स जीरो वाई वन, खाली अयोटा रियल पार्ट जीरो इमेजरी पार्ट वन, तो वो क्या आ रहा है देखो जीरो प्लस अयोटा आ रहा है, तो उसका थीटा कितना आ रहा है, ये देखो ये एंगल थीटा, यदि आप उसके थीटा की बात करोगे थीटा कितना आ रहा है, ये थीटा उसका थीटा आ रहा है 90 डिग्री पाई बाय टू, फिर तो मैंने इसको क्या लिखा टेंजेंट इनवर्स जो वन बाय जीरो था मैंने पाई बाय टू लिख दिया। जब लॉग वन जीरो होता है, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, लॉग पी कितना आ गया अयोटा इंटू अयोटा पाई बाय टू, अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया, अयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया। तो ये हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक था। तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, पूछ लो पहले इसके बारे में। टॉपिक है रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान देना, रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। ये कहता है कोई भी, थोड़ा ध्यान देना बेटा इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है इस पर, ये आपके फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है बेटा। करे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसको ये पी से दिखाया बेटा, पी है पी जेड है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पी जेड, ये पी जेड है ये रहा, और मान लो उसका एंगल थीटा बना हुआ बेटा,
आप उसको एंटी क्लॉक नीचे की तरफ ले जाते हैं, सॉरी एंटी क्लॉक ऊपर की तरफ ले गए, फिर अपने अल्फा ऊपर घुमा दिया ऑर्डर, चलो तो ये आ गया पी डैश। याद रखना अल्फा ऊपर घुमाया तो ये ई की पावर अयोटा अल्फा इंटू में जेड हो जाएगा। तो आप इसको नीचे ले जाते हैं, मतलब अल्फा नीचे ले गए आप, मैग्नीट्यूड वही रखा बेटा आपने, मैग्नीट्यूड मान लो आपने उसका वही रखा। अल्फा नीचे ले जाते हैं तो पी डबल डैश आ गया, जेड इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा हो जाएगा। अल्फा नीचे ले गए तो उठाएगा। देखिए अब लिखते कैसे हम, फर्स्ट रूल ये व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रोटेटेड है, रोटेटेड थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोमा देन वी मल्टीप्लाई इट विद ई की पावर आयोटा अल्फा रोटेटेड अल्फा एंटी क्लॉक, वी मल्टीप्लाई इट विद ई की पावर आयोटा अल्फा। सेकंड रूल है when any complex number is rotated alpha clockwise घुमाते हैं then we multiply it with e की power minus iota alpha, ये करते हैं। हाँ with magnitude same, magnitude तो वही रहता है ना बेटा, with magnitude same ये आ जाता है। रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन ये है, रीजन ये है जैसे आपके पास जेड है ए प्लस अयोटा भी है, या आप उसको लिखते हो आर कॉस थीटा अयोटा साइन थीटा, तो आप जेड इंटू ई की पावर अयोटा अल्फा लेते हो, ये लो क्या आएगा अयूलर फॉर्म से ई की पावर आयोटा अल्फा की वैल्यू क्या लिखवा रखी है आपको, अयूलर फॉर्म से ई की पावर आयोटा अल्फा की वैल्यू होती है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अब आप दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल से एंगल में ऐड हो गया, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा हो गया सिस अल्फा, यही तो कराया था। पहले एंगल उसका कितना था थीटा, अब क्या बन गया थीटा प्लस अल्फा, ऐसे अब जेड इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा लोगे आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, क्या आ गया इंटू में ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा को क्या लिखो गया कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। अब आप मल्टीप्लाई कर देखो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा अयोटा साइन थीटा माइनस अल्फा, अल्फा कम ही तो हो गया नीचे जाके, और देख लो आप इसके अंदर देखो जब पी घूम के नीचे आया तो एंगल थीटा माइनस अल्फा हो गया बेटा, ये चीज कितनी होगी थीटा माइनस अल्फा, जब पी घूम के ऊपर चला गया तो ये चीज कितनी होगी थीटा प्लस अल्फा, ये इसका प्रूफ है। हाँ इस पर एक नोट लिखवा रहा हूं, व्हेन आयोटा मल्टीप्लाई विद जेड कोमा देन जेड रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत फेमस रिजल्ट है बेटा, कई जगह पूछ रखा है, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को
एटा से मल्टीप्लाई करते हैं एटा, व्हेन माइनस एटा मल्टीप्लाई विद जेड तब ये क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्या मतलब इसका बेटा? मतलब इसका ये बेटा जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, फिर पी जेड एट है, फिर आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री हट है, एंटी क्लॉक चला गया, ये क्लॉक चला गया नीचे, तो ये पी डैश आ जाएगा, आयोटा जेड आ जाएगा, ये पी डबल डैश आ जाएगा, माइनस आयोटा जेड आ जाएगा, मतलब मेरे कहने का लो क्या है, देखो मैंने 90 उसको रोटेट करा दिया एंटी क्लॉक, तो आप एंटी क्लॉक रोटेट कराते हैं तो आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और आप जब क्लॉक रोटेट कराते हैं तो माइनस आयोटा से। कारण रीजन क्या है इसका? रीजन ये है जो खाली आयोटा होता है ना उसको भी ये लिख सकते हैं cos pi by 2 plus iota pi by 2 sin pi by 2, खाली iota को क्या लिखेंगे? e की पावर iota pi by 2, ये हो जाता है। और माइनस iota को हम क्या लिखते हैं? e की पावर माइनस iota pi by 2, ये तो वही बात ना होगी। जब आप iota से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 90 रोटेट कर गया एंटी क्लॉक, माइनस iota से कर रहे हैं तो 90 को लॉक कर गया बेटा, बात तो वही होगी सर। अब यहां पर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया जा रहा है बेटा। अब यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग ले लेते हैं, ये लो, यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग ले लेते हैं तो ये तो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, इसके अंदर क्या है? सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जा रहा है बेटा। अब ये लो, जब आप टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, नंबर सेकंड पार्ट है, सेकंड है फॉर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं बेटा, एक जेड वन है बेटा, ए प्लस एटा भी है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? आर वन, आर वन है बेटा, और साथ में लगा लो ई की पावर एटा थीटा। एक जेड टू है बेटा, सी प्लस आयोटा डी है, आर टू ई की पावर आयोटा थीटा टू है, ये लो। अब आप इन दोनों को डिवाइड करके देखो बेटा, यदि आप जेड वन बाय आर वन लेते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा बना गया, जेड टू बाय आर टू लेते हो, ई की पावर आयोटा थीटा टू आ गया, ये लो। अब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करके देखो बेटा, इसको नंबर वन मान लो, इसको नंबर टू मान लो, चलो वन को टू से डिवाइड करके देखो कितना आ गया, जेड वन बाय आर वन इंटू बाय डिवाइड करोगे आर टू बाय जेड टू, कितना आ जाएगा? ई की पावर आयोटा थीटा वन बाय ई की पावर आयोटा थीटा टू, बेस सेम है तो थीटा वन माइनस थीटा टू, बहुत अच्छा रिजल्ट है बेटा, ये एडवांस के अंदर यूज होता है। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट लेते हो ना तो ये एडवांस का टॉपिक है बेटा। तो क्या आ गया? ये आ गया ई की पावर आयोटा अल्फा, क्योंकि थीटा वन माइनस थीटा टू मैंने रोटेशन दे दी, ये अल्फा है, इसका मतलब क्या आ गया बेटा कि जेड वन बाय, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने रोटेशन दे दी तो कितना आ गया? ये ऊपर पहुंच गया बेटा, बाद वाला थीटा टू मान लो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी आ सकता है बेटा, ये थीटा टू माइनस में थीटा वन अल्फा, ये इसको मैं थीटा टू माइनस थीटा वन लिख देता हूँ,
ये लो, इसको मैं ये लिख देता हूं, उल्टा कर रहा हूं, जेड टू बाय आर टू और आर वन बाय जेड वन, उल्टा कर दिया बेटा, आर वन बाय जेड वन ई की पार कितना आ जाएगा बेटा, कयोटा थीटा टू माइनस थीटा वन अल्फा आ गया। तो जेड टू बाय आर टू का मतलब क्या है, जेड टू का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है जेड वन बाय जेड वन का मैग्नीट्यूड, ई की पार आयोटा अल्फा आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी कंप्लेक्स नंबर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो बाद वाला कंप्लेक्स नंबर क्या होता है, पहले वाला कंप्लेक्स नंबर बाय उस मैग्नीट्यूड इंटू ई की पार आयोटा अल्फा, जितना आपने उसको रोटेट किया, ये फार्मूला बन गया बेटा। प्रैक्टिकली क्या मतलब इसका बेटा, प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है, थोड़ा मुश्किल है बेटा ये टॉपिक, कोई बात नहीं मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, इसका मतलब ये है बेटा। पर ये क्या है इसके साथ ही, इसका मतलब ये है आपके पास एक कंप्लेक्स नंबर ये है, ये पी जेड वन है, उसका एंगल है थीटा वन, ये और एक कंप्लेक्स नंबर ये रहा, ये क्या हुआ है जेड टू, जेड टू और जेड वन में डिफरेंस क्या है, जो जेड टू है उसका नीचे जाके एंगल बन रहा है थीटा टू, ये बन रहा है थीटा टू, तो उन दोनों में एंगल अल्फा है, ये उन दोनों का एंगल अल्फा होगा, ये अल्फा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहां पे रोटेशन नहीं कर रखी क्योंकि दो कंप्लेक्स नंबर अलग अलग है, इसका मतलब यदि जेड टू जेड वन से, यदि जेड टू और जेड वन में अल्फा का एंटी क्लॉक रोटेशन है, मतलब वहां पे तो देख मैग्नीट्यूड सेम था, वहां तो एक ही कंप्लेक्स नंबर को रोटेट किया गया, अब यहां पर क्या है जेड वन जेड टू दो कंप्लेक्स नंबर है, तो बाद वाला ऐसे याद करना है, बाद वाला कंप्लेक्स नंबर बाय उसका मैग्नीट्यूड, पहले वाला बाय मैग्नीट्यूड इनटू ई की पावर आयोटा अल्फा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, पर ये यूज होती है आपकी एडवांस लेवल में, यूज होती है मेन लेवल में तो ऊपर वाली यूज होती है बेटा। तो जो बेटा काफी साल हो गए ना पढ़ाते, अब हमको पता चल जाता है बेटा कि मेन में क्या आता है एडवांस में। फिर मैं लिख देता हूं, व्हेन जेड वन इक्वल टू जेड टू इक्वल टू जेड है, अबो रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा, अबो रिजल्ट तो ये बन गया जेड टू, ये बन जाएगा जेड बाय जेड ई की पार आयोटा अल्फा, ये बन जाएगा क्या, क्या हो गया व्हेन एनी कंप्लेक्स नंबर इज रोटेटेड अल्फा एंटी क्लॉकवाइज कमा देन ई की पार आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई है विद देम, ये तो सेम तो आ गया, सेम है जब वो सेम है फर्स्ट रिजल्ट यही तो था, ये लो क्योंकि बेटा यदि दोनों आप कंप्लेक्स नंबर सेम ले लेते हैं तो देन उनके मैग्नीट्यूड भी सेम आएंगे, जेड वन जेड टू का मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाएगा, ये लो तो नीचे वाला पोर्शन कट गया, ये लो। पूछ लो बेटा,